केंद्र की बात अगर हम करें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीद है। उन्होंने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत बड़े बड़े नारे दिए। बड़ी उम्मीद थी इस देश के लोगों को, काला धन आएगा, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार देना तो दूर, अभी 6 लाख करोड़ रुपए की देश की संपत्तियां बेची जा रही है। रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेची जा रही है, बैंक बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, पोर्ट बेचा जा रहा है, सड़कें बेची जा रही है, बिजली बेची जा रही है, स्टेडियम बेचे जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। 6 लाख करोड़ रुपए BPCL जैसी मुनाफे की कंपनी बेची जा रही है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, इसकी तरफ लोगों को ध्यान देना चाहिए। जब इस देश की सरकारी संपत्तियां ही नहीं बचेंगी, हमारा रोजगार कहां बचेगा? जिस आरक्षण के लिए लोग लड़ते हैं वो आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां खत्म, आरक्षण खत्म। और अब आरक्षण सिर्फ दलितों और पिछड़ों तक सीमित नहीं है, अब आरक्षण 10% गरीब सवर्णों के लिए भी है। तो सबका नुकसान है, सबका नुकसान, धीरे धीरे करके सबका नुकसान। पिछले 10 महीने से देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा है। 700 से ज्यादा किसानों ने अब तक अपनी आत्महत्या की, उनकी जान ली गई है, उन पे लाठियां चलाई गई हैं, उनके सामने कटीले तीर तार गाड़े जाते हैं, उनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, मवाली, गुंडा, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कह के संबोधित किया गया। अपने देश के अन्नदाताओं से प्रधानमंत्री जी को बात करने की फुर्सत नहीं है। रात में 12 बजे वो अपना महल देखने और सेंट्रल विस्टा देखने चले जाते हैं। किसानों के मुद्दे का समाधान होना चाहिए। पहले दिन से आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। याद होगा जब मैंने माइक तोड़ा था तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया और तब मेरी बड़ी आलोचना हुई, तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो। मैंने तो संख्या बल को दबाकर, जब ये काला कानून पास किया जा रहा था उस वक्त ही हमने विरोध किया था। हो सकता है उसमें हमारे विरोध का तरीका ठीक ना रहा, लेकिन मुद्दा जायज था। तीनों काले कानून के माध्यम से हिंदुस्तान के किसानों के मौत के फरमान पे हस्ताक्षर किया गया है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस कानून के आने के बाद असीमित भंडारण की छूट दी गई है, यानी प्राइवेट कंपनियां सस्ते में किसानों से गेहूँ, धान, आलू, प्याज, गन्ना, जो भी उनके उपज होंगे उसको सस्ते में खरीदेंगे, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में असीमित भंडारण करेंगे, और जब बाजार में उस चीज की कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे उसको बेचेंगे। तो ये कानून कालाबाजारी, जमाखोरी और महंगाई तीनों को बढ़ावा देने वाला है, नंबर एक। दूसरा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है। 5,000, 10,000, 20,000 एकड़ जमीन किसी मऊ में कोई भी प्राइवेट कंपनी वाला आएगा, वो खरीदेगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट पे लेगा, अपने हिसाब से वहाँ पे फसल की पैदावार करेगा। किसान उसके खेत में घुस भी नहीं सकता। आपके जमीन का मालिकाना हक धीरे धीरे करके आपसे छीना जाएगा। ये एक प्रकार से जो जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी, वो हिंदुस्तान में नई जमींदारी प्रथा को जन्म देने का कानून है। तो इसलिए हम लोग इस तीनों काले कानून का विरोध करते हैं, इसको वापस होना चाहिए और समर्थन मूल्य की गारंटी कानून में होना चाहिए।